पश्चिम बंगाल के लगभग हर चरण के चुनाव में हिंसा देखने को मिल रही है। कहीं पर वोटरों को धमकाया जा रहा है तो कहीं पर वोटरों के साथ मारपीट और हंगामा किया जा रहा है। लोग वोट डालने ना जाएं इसीलिए बम तक फोड़े जा रहे हैं। इन घटनाओं का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगता रहा है। इन उग्र कार्यकर्ताओं ने पिछले चरणों के चुनाव में जमकर बवाल किया था। आसनसोल में कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कार का शीशा तक तोड़ दिया। हालांकि इस हमले में भाजपा नेता को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं मतदान के दौरान ग्रामीणों ने चुनाव का इसलिए बहिष्कार कर दिया क्योंकि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान नहीं तैनात थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इन मामलों को लेकर सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि मतदान के दौरान न तो पश्चिम बंगाल पुलिस और न ही केंद्रीय बल पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे। ये तभी मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकते हैं जब मतदान अधिकारी उन्हें बुलाएं। हालांकि पहले खबर सामने आई थी कि मतदान केंद्रों के अंदर जाने के लिए सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों को ही अनुमति दी जाएगी, लेकिन बाद में स्थिति साफ हो गई कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल दोनों को ही मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय बलों को हटाकर मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस को तैनात किया जा रहा है जो मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ के जवान मतदान केंद्र के अंदर फायरिंग कर बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। इन सबको लेकर कई जगह पर हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि कोई भी जवान या सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए विवेक दुबे ने कहा कि बंगाल में केंद्रीय बलों की कुल 578 कंपनियों को 2019 के पांचवें चरण के मतदान के लिए तैनात किया जा रहा है। 6 मई को पांचवें चरण के लिए मतदान किया जाएगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल में बंगाव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरमबाग सीट पर वोट डाले जाने वाले हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जनाधार लगातार गिर रहा है और बीजेपी का बढ़ रहा है। ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार भड़के हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में कह चुके हैं कि टीएमसी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद टीएमसी में बवाल मचा हुआ है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।